नमस्कार, मैं अंजलि चौहान। स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस के खास शो एक्सप्रेस 25 में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया और खेल और व्यापार जगत की उन सभी खबरों को यानी एक्सप्रेस अंदाज में, यानी जल्दी ब्रेकिंग न्यूज की इस जंग में खबरें तेज रफ्तार। देश की सर्वोच्च अदालत ने कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस के 10 विधायकों के इस्तीफे और अयोग्यता के मामले में यथास्थिति बरकरार रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण विषय उठने के मद्देनजर हमारा मत है कि इस मामले में हमें मंगलवार को भी विचार करना होगा। हमारा मानना है कि आज की स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनाए रखी जाए, ना तो इसके बारे में और ना ही अयोग्यता के मुद्दे पर। मंगलवार को इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी ने शुक्रवार को कहा कि यह विश्वास मत हासिल करना चाहते हैं और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार से इसके लिए समय तय करने को कहा। 13 महीने पुरानी गठबंधन सरकार अपने विधायकों के इस्तीफे के बाद संकट में घिर गई है। कर्नाटक में कांग्रेस के 13 विधायकों समेत 16 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, जिनमें से 10 विधायक मुंबई में डेरा डाले हुए हैं, जिनमें से कुछ विधायकों ने मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की और कहा कि फैसले से पीछे हटने का सवाल ही नहीं। बीजेपी ने कर्नाटक के अपने विधायकों को बेंगलुरु के 3 अलग अलग रिसोर्ट में भेजने का फैसला किया। इसके बाद कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को रिसोर्ट में भेज दिया, तो निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, जो सरकार में मंत्री के तौर पर शामिल थे। शुक्रवार को हफ्ते के आखिरी दिन दोनों शब्दों में अच्छा कामकाज हुआ है। लोकसभा में जहां रेल मंत्रालय संबंधी अनुदान मांग को मंजूरी मिली, वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए पेश हुआ, तो वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर हुई चर्चा का जवाब दिया। राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में राजकोषीय मजबूती के लक्षणों से समझौता किए बिना निवेश बढ़ाने की पूरी योजना के साथ विकास की बड़ी तस्वीर पेश की गई है। उन्होंने कहा कि बजट में अगले 10 साल के लिए व्यापक कदमों का उल्लेख किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की मध्यम अवधि के लक्ष्य देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है और यह लक्ष्य बिना योजना के नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि निवेश को गति देने के लिए नियमों को और उदार बनाया गया। 400 तक के कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट की दरें कम कर दी गई। देश के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अगले 5 साल में 100 लाख के निवेश का लक्ष्य रखा और बजट में निवेश को बढ़ाने के लिए मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई देती है। रेलवे के निजीकरण के विपक्षी आशंकाओं को सिरे से खारिज करते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि इसके लिए कोई भी रेलवे का निजीकरण नहीं कर सकता और इसके निजीकरण का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए नई फिल्मों का सपना दिखाने के बजाय नरेंद्र मोदी सरकार ने सुविधाएं एवं निवेश बढ़ाने के लिए PPP आमंत्रित करने का इरादा किया है। पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे में सुविधा बढ़ाने, गांव और देश के विभिन्न हिस्सों को रेल संपर्क से जोड़ने के लिए बड़े निवेश की जरूरत है। अच्छी सुविधा, सुरक्षा, हाई स्पीड आज के लिए निजी सार्वजनिक क्षेत्र की साझेदारी को प्रोत्साहित करने का सरकार ने निर्णय लिया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 1950 से 2014 के दौरान रेल पटरियों का विस्तार 77,609 किलोमीटर से 79,919 किलोमीटर तक हुआ, लेकिन पिछले 5 साल में यह बढ़कर 1,23,236 किलोमीटर तक हो गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र के पालघर में भूमि अधिग्रहण से जुड़े कुछ मुद्दों की वजह से मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के काम से थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन इस परियोजना को तय समय पर पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा कि देश के मेडिकल कॉलेजों में इस साल से करीब 4800 सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान मोहम्मद जावेद, पिनाकी मिश्र, अधीर रंजन चौधरी और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद 92 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला हुआ और कई मेडिकल कॉलेज खुल भी चुके हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में MBBS की सीटों में 15,000 की बढ़ोतरी हुई है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न स्तर पर कैंसर अनुसंधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास कर रही है। भारत में स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में उल्लेखनीय प्रकट हुई है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2006 से 2016 के बीच रिकॉर्ड 27.10 करोड़ लोग गरीब रेखा से बाहर निकले। सरफराज की रिपोर्ट के अनुसार 2005 से 2006 में भारत के करीब 64 करोड़ लोग यानी 55.1% लोग गरीबी में थे। ये संख्या घटकर 2015 से 16 में 36.9 करोड़ यानी तकरीबन 27.9% पर आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर भाजपा की महिला सांसदों के साथ शुक्रवार को सुबह नाश्ते पर मुलाकात की। पार्टी के सांसदों को 7 समूहों में बांटा गया और यह 5वें समूह के साथ उनकी बैठक थी। नवनिर्वाचित 17वीं में लोकसभा में कुल 78 महिला सांसद हैं। स्वतंत्रता के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की सर्वाधिक संख्या है। इनमें से 41 महिला सांसद भाजपा से हैं। देश के महत्वाकांक्षी मिशन को पूरा करने के लिए चंद्रयान 2 तैयार है और प्रक्षेपण के पहले तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसरो 15 जुलाई को तड़के चंद्रयान का प्रक्षेपण करेगा। भारत का यह मिशन चंद्रमा की सतह की अनेक अनजान अनछुए पहलुओं को जानने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही भविष्य में चंद्रमा की सतह का उपयोग करके सौर तंत्र और इसके और आगे की खोज करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। वरिष्ठ राजनयिक विकास स्वरूप विदेश मंत्रालय में दूतावास संबंधी पासपोर्ट, वीजा और प्रवासी भारतीय मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। कार्य मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा कि भारतीय वन सेवा के 1986 बैच के अधिकारी स्वरूप समय ओटावा में भारत के उच्चायुक्त हैं। अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को जमानत दे दी है। मामला अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कॉरपोरेटिव बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने दर्ज कराया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज दिल्ली में पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने महाराष्ट्र सदन और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के साथ संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पौधारोपण किया। अब तक के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और तब तक के लिए देखते रहिए समाचार एक्सप्रेस न्यूज। नमस्कार।